हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए के बीच में आने वाली बेहतरीन गाड़ियां, चुनिंदा गाड़ियां। मजबूत भी रहेगी, माइलेज भी अच्छा देगी, खर्चा भी कम करवाएगी दोस्तों। उसके पार्ट्स आपको सस्ते मिलेंगे और स्क्रैप में भी मिल जाएंगे। स्क्रैप वाले के पास जो गाड़ियां खड़ी रहती है उसमें भी पार्ट्स मिल जाएंगे। मतलब आप बिल्कुल बाइक के बराबर के खर्चे में इन गाड़ियों को चलाने वाले हो, बेफिक्र रहिए। मैं आपको 10 गाड़ियां बताऊंगा, जिसमें 5 तो हैचबैक रहेगी और 5 गाड़ियां रहेगी सेडान गाड़ियां। कुछ भाइयों को हैचबैक पसंद आती है, कुछ को सेडान आती है। दोस्तों 1 से 1.5 लाख के बीच के बजट की है, ज्यादा महंगी भी नहीं है और गाड़ियां जबरदस्त। और इससे पहले जो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने गाड़ियां बताई थी ना, जैसे अल्टो, वेगनार वगैरह, ये गाड़ियां, इन गाड़ियों को नहीं लिया हूं मैं। जो भी गाड़ियां हैं ये सभी नई गाड़ियां रहेगी, मतलब अलग रहेगी। सेकेंड हैंड तो रहेगी लेकिन उन गाड़ियों से अलग रहेगी, एक आध मिल सकती है, बाकी सब गाड़ियां डिफरेंट रहेगी और बेस्ट रहेगी। दोस्तों सस्ती बजट में बढ़िया गाड़ियां आपको बताने वाला हूं। दोस्तों 1-1.5 लाख में आजकल बाइक आती है, तो कार लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ भाई कहते हैं यार कार लेंगे, जिनकी कम सैलरी है, जो कम बजट वाले हैं वो गाड़ियां लेंगे तो कैसे चलाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए 4-व्हीलर जरूरी है, 4 या 5 लोग बैठ के कहीं भी चल जाएं। बाइक वाले बहुत परेशान होते हैं सर्दी गर्मी बरसात से। अभी बरसात थी तो बारिश में खूब परेशानी हुई, सर्दियों में भी ठंड में परेशानी होती है और गर्मियों में तो आदमी सिक जाता है। हमारे जयपुर में भयंकर बुरा हाल था बाइक से जो भी जाते थे, जुलाई के आसपास, जुलाई अगस्त में बुरा हाल था। हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है मदन लाल जी, उन्होंने वैसे बत्तियों के ऊपर टेंट लगवा दिया था, 50 मीटर की दूरी पे जितनी भी जयपुर में बत्तियां हैं सब पे टेंट लग गए थे, क्योंकि बत्ती पे आके रुकती है गाड़ियां तो वहां पे भयंकर धूप लगती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको, लेकिन फिर भी बहुत जगह पर ऐसा नहीं होता और हम हाईवे पे भी जा रहे हैं तो भी गर्मी तो लगती है। चलो ये बात छोड़ते हैं और शुरू करते हैं। 10 गाड़ियां आपको बताता हूं, वीडियो पूरा जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे 90% ऐसे व्यूअर्स हैं जो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट की पहली जो गाड़ी है ना, वो आपको 1,40,000, 1,45,000 या 1.5 लाख के आसपास आपको आराम से मिल जाएगी। बेहतरीन गाड़ी है, लुकिंग वाइज देखो, कोई आपको ऐसे नहीं कहेगा तूने 1.5 लाख की गाड़ी ली है, सस्ती गाड़ी ली है, ऐसे कहने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि गाड़ी मस्त लगती है। वो गाड़ी है हुंडई की i10 गाड़ी, आपने भी देखा होगा, गाड़ी मस्त है, मजबूत है, माइलेज मस्त है, इंजन पावरफुल है, सब कुछ गजब गाड़ी में। ये गाड़ी आपको लगभग 9, 10, 11 मॉडल आराम से 1.5 के करीब मिल जाएगी। कहीं कहीं पे अगर गाड़ी की बढ़िया कंडीशन है, मिंट कंडीशन है, हो सकता है 1.60, 1.65, 1.70 तक भी पहुंच जाए, पर एक एवरेज प्राइस में बता रहा हूं आपको कि 1.5 के आसपास आपको मिल जाएगी ये आराम से। इस गाड़ी में 1100 सीसी का इंजन आता है दोस्तों, पेट्रोल का, और अगर डीजल का देखेंगे तो 1250 का आएगा। दोनों ही ले सकते हैं आप, दोनों में ही बढ़िया माइलेज देती है, 15 से ऊपर का माइलेज देगी दोनों ही वेरिएंट में। गाड़ी अंदर से मस्त लगती है, क्रीम कलर का डैशबोर्ड है, व्हाइट अंदर का इंटीरियर है, खूब स्पेस है, पावरफुल इंजन है, इंजन इसका जबरदस्त आता है दोस्तों, इसका इंजन जबरदस्त है। आप चला के देखोगे ना, आपको गाड़ी पहली राइड में पसंद आ जाएगी, आप चलाओगे तो, इतनी जबरदस्त गाड़ी है। तो इस गाड़ी को ले सकते हैं, 1.5 के आसपास आपको आराम से 9-10 मॉडल मिल जाएगी दोस्तों, ये ध्यान रखना। i10 मस्त गाड़ी है, पार्ट्स इसके सस्ते हैं, सर्विस आपकी 2,500 में हो जाएगी और स्क्रैप वाले की भी बहुत खड़ी रहती है 9, 10, 11 मॉडल, तो वहां से हम पार्ट्स अगर लेंगे ना, कोई भी खराबी होती है, वैसे तो मजबूत आती है गाड़ी लेकिन खराबी तो होती है। देखो गाड़ी घोड़ा चलता है ना तो खर्चा मांगता है, इंसान भी घूमेगा फिरेगा चलेगा तो उसको भी खाना चाहिए, तो गाड़ी घोड़े को भी खाना चाहिए भाइयों, तो खर्चा तो आएगा ही। तो खर्चा अगर आएगा तो आप स्क्रैप वाले जो कबाड़ी रहते हैं ना उनके पास जाओ, बिल्कुल फ्रेश गाड़ियां खड़ी रहती है, उनके पार्ट्स ले लो, बिल्कुल आप कोड़ियों के भाव में देते हैं, वो जो पार्ट्स 4,000 का रहा है ना वो 4-500 का देते हैं, तो और भी खर्चा खत्म आपका। और पेट्रोल, अगर पेट्रोल में आपको 15, 16, 17 से भी ज्यादा माइलेज चाहिए तो CNG वगैरह लगवा लेना, और भी मजा आ जाएगा, LPG लगवा लेना, वो तो आपकी चॉइस है, पर ये गाड़ी ले सकते हो आप दोस्तों, जबरदस्त गाड़ी है। इसके बाद सेकंड नंबर की जो गाड़ी है ना, वो आप ले सकते हो फोर्ड की फिगो। अब आप बोलोगे यार फोर्ड के लिए आप कहते थे बंद होने वाली है या बंद हो गई गाड़ियां है, उनके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, तो दोस्तों फोर्ड ने कमिटमेंट किया है कि 10 साल तक मैं फुल आपके पार्ट्स अवेलेबल करवाऊंगा, और अब तो न्यूज आ रही कि फोर्ड वापस इंडिया में आने भी वाला है, तो बेफिक्र रहिए, फोर्ड की फिगो मजबूत गाड़ी आती है और माइलेज भी शानदार है गाड़ी का। डीजल में तो ये 18, 19, 20 तक माइलेज देती है, स्पेस अच्छा है गाड़ी में, चलती बढ़िया है, 1200 सीसी पेट्रोल में और 1400 सीसी डीजल में आती है ये गाड़ी, डीजल का ज्यादा बढ़िया माइलेज है, मतलब 15-16 का तो ये पेट्रोल में देगी और डीजल में 20 के आसपास देगी, बेफिक्र होकर ले सकते हो, पार्ट्स खूब मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी मस्त है, आपको 1.5 के आसपास मिल जाएगी 11-12 मॉडल मस्त, चाहे पेट्रोल में लो चाहे डीजल में लो। NCR एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इतनी पुरानी गाड़ियां
वैलिड नहीं होती। बाकी आप बेफिक्र होकर ले सकते हो इन गाड़ियों को, इनकी जो पार्ट्स, इनकी जो इंजन की पावर, इनका माइलेज, सब कुछ आप चलाते ही आपको ऐसे लगेगा कि जैसे साल दो साल पुरानी गाड़ी है। बेफिक्र होकर आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त गाड़ी। तीसरे नंबर की गाड़ी स्विफ्ट, वो भी डेढ़ में आपको मिल जाएगी, लेकिन वो आपको मिलेगी 8, 9, 10 मॉडल, इससे ज्यादा नहीं। स्विफ्ट की क्या है कि स्विफ्ट गाड़ी की मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो डेढ़ में लेंगे ना तो थोड़ी पुरानी मिलेगी, 8, 9, 10 मॉडल। पर गाड़ी बढ़िया है, माइलेज बढ़िया है, पेट्रोल में थोड़ा कम रहता है, 15-16 का रहता है, डीजल में 18-19-20 तक रहता है। गाड़ी जबरदस्त है, 2008 से 11 तक कोई भी मिल सकती है, वो आपकी किस्मत पे डिपेंड है, आपकी कैसी किस्मत है दोस्तों। 1200 सीसी का पेट्रोल का और 1250 सीसी का डीजल में इंजन आता है। स्विफ्ट का ज्यादा बोलने की और बकबक करने की मुझे जरूरत है नहीं, क्योंकि स्विफ्ट का मार्केट आपको पता है, हर गली में हर नुक्कड़ पे स्विफ्ट खड़ी रहेगी। स्विफ्ट नाम का मेंढक आपको हर गली, हर नुक्कड़, हर सिटी में मिल जाएगा, चाहे इंडिया में कहीं भी चले जाओ, मार्केट वैल्यू इतनी जबरदस्त है इस गाड़ी की। तो स्विफ्ट ले लोगे, डेढ़ के अंदर अंदर मिल जाएगी। कुछ भाई कहते हैं ज्ञान तो आपने बहुत पेल दिया, लेकिन हम ले कहां से? अरे भाई OLX पे सर्च करो जाके, गाड़ी का नाम लिखो, जैसे स्विफ्ट लेना है स्विफ्ट OLX राजस्थान, स्विफ्ट OLX मध्य प्रदेश, ऐसे लिखो। और फिर उसमें महंगी महंगी गाड़ियां आती है तो बजट लिखा रहता है ऊपर, उस पर क्लिक करके और उसमें फिक्स कर लो, भाई मुझे 2 लाख से नीचे नीचे की, 1.5 लाख से नीचे नीचे की चाहिए, तो बस झंझट खत्म। OLX पे आजकल इतनी गाड़ियां अवेलेबल है, 1000 गाड़ियां रहती है OLX पे, 2-4 देखोगे उसमें पसंद आ जाएगी आपको। तो स्विफ्ट ले लेना। स्विफ्ट के बाद में आप रिज ले सकते हो, रिट्स, मारुति सुजुकी की रिट्स ले सकते हो। स्विफ्ट और रिट्स का एक इंजन आता है, एक ही माइलेज है, एक ही पावर है, सब कुछ एक ही है, पेट्रोल का वही 1100-1200 सीसी और डीजल का 1250 सीसी, वही सेम आएगा। तो रिट्स भी ले सकते हो, गाड़ी बढ़िया है, ऊंची है, कंफर्ट है, एसी पावरफुल है, दोनों ही गाड़ियों में मजा आने वाला आपको, दोनों ही जबरदस्त है, कोई सी भी ले लो। रिट्स थोड़ी सस्ती मिलेगी, सस्ती से मतलब है कि डेढ़ में आपको ये 11-12 मॉडल मिल जाएगी, स्विफ्ट आपको 9-10 मॉडल मिलेगी, क्योंकि स्विफ्ट की मार्केट वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, ज्यादा ही पसंद करते हैं उस मींडे को लोग, इस वजह से स्विफ्ट थोड़ी पुरानी मिलेगी। रिज ले लो, रिट्स मस्त गाड़ी है। सर्विस इनकी पेट्रोल में आपके 2.5 के अंदर अंदर हो जाएगी और डीजल में 3-3.5 के आसपास हो जाएगी। डीजल का माइलेज ज्यादा रहता है, पेट्रोल का थोड़ा कम रहता है, ये ध्यान रखना, पर पेट्रोल का मेंटेनेंस कम रहता है, सर्विस सस्ती हो जाएगी और पार्ट्स थोड़े सस्ते मिलते हैं, डीजल के इंजन के थोड़े पार्ट्स कई बार महंगे मिल जाते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखें खासतौर पर। रिट्स के बाद में आप एक और ले सकते हो, टैंक, बता देता हूँ। कुछ भाइयों को मजबूत गाड़ी बहुत पसंद है कि यार अपन को मजबूत, फुल मजबूत गाड़ी दिलाओ आप, तो आप कौन सी गाड़ी लेना, आप लेना पुंटो, नाम तो सुना ही होगा पर जानते नहीं होंगे उसके बारे में, फिएट की पुंटो गाड़ी। कुछ कहते भी है मत लेना क्योंकि पार्ट्स नहीं मिलते, अरे सब मिल जाते हैं आजकल इंडिया में, सब चीज मिलती है। फिएट की पुंटो, देखो स्विफ्ट जो आ जा रही है ना अभी, वो आ रही है 875 किलो की और सेम उसी साइज की आती है फिएट की पुंटो, वो आती है 1200 किलो की। अब देख लो लगभग 400-350 किलो ज्यादा है, टैंक है, बहुत मजबूत है, छोटे मोटे एक्सीडेंट में तो मोचा तक भी नहीं पड़ता, उसमें डेंट भी नहीं आता, ऐसी गाड़ी है। और डीजल में माइलेज 20 का, फिएट पुंटो के जो दीवाने हैं ना वो उस गाड़ी को छोड़ना नहीं चाहते। फिएट पुंटो की एक खासियत बताऊं आपको, ये जो सीट रहती है ना जिसपे हम सराहना लगाते हैं बैठते हैं, इसके पीछे किसी भी गाड़ियों में फोम के अलावा कुछ नहीं आता, फिएट पुंटो में लोहे की चद्दर आती है इसके पीछे भी। मान लो खुदा ना खास्ता कभी एक्सीडेंट होता है, कोई नुकीली चीज पीछे से आ गई, जैसे कोई सरी आ गया, तो वो चद्दर है ना वो आदमी को बचा लेगी, इतनी मजबूती है फिएट की पुंटो में। तो जो भी पुंटो लेना चाहे ना ले सकते हैं, डीजल में तो 20 का और पेट्रोल में 15-16 का माइलेज है, गाड़ी आप चलाओगे ना आपको ऐसा महसूस होगा ट्रक चला रहा हूं, गाड़ी इतनी भारी, दचके में भी ऐसे जैसे और गाड़ियां फड़फड़ाती है ना वैसे फड़फड़ाएगी नहीं, वो इतनी हैवी लोहा, इतनी मजबूत पार्ट्स है। और उसके गेट बंद करोगे ना ऐसे लगेगा ट्रक का बंद कर रहा हूं, इतना भारी महसूस होगा। खरीदो नहीं ना तो किसी भी पुंटो को आप जाके चेक करके देख लेना मेरी बात झूठो तो पुंटो भी ले सकते हैं, फिएट की गाड़ी है दोस्तों। और ये मारुति सुजुकी इन गाड़ियों को, ये जितनी भी है ना मारुति सुजुकी हुंडई, इन गाड़ियों को फिएट है ना जो इंजन की सप्लाई करते हैं, जितने भी इंजन आते हैं ना वो फिएट कंपनी बनाती है, तो उसका पर्सनल प्रोडक्ट है, तो वो मजबूत नहीं रहेगा, क्या आप सोच लो एक बार। तो पुंटो ले सकते हैं और वेगनार भी ले सकते हैं। कुछ भाई बोलेंगे वेगनार को तो आप चाहे आप रोटी खाना छोड़ दो, लेकिन वेगनार का नाम लेना नहीं छोड़ दो यार, गाड़ी ऐसी है, बढ़िया गाड़ी है तो लेना ही पड़ता है। तो 150-160 के बजट में आपको नई वाली वेगनार मिल जाएगी, 11 मॉडल मिल जाएगी, पेट्रोल में आराम से 16-17-18 तक माइलेज दे देती है, 1000 सीसी का इंजन आता है और अंदर खूब खुली खुली स्पेस जबरदस्त है उसमें गाड़ी में, ये कहना पड़ेगा स्पेस जबरदस्त है, मजा आ जाता है उस गाड़ी में, कहीं भी जाओ एसी जबरदस्त है, गाड़ी बहुत शानदार है यार, मानना पड़ेगा। तो वेगनार आप ले सकते हो, डेढ़ के आसपास आपको 11-12 मॉडल आराम से मिल जाएगा, तो वेगनार भी आप ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा वेगनार के बाद अब करते हैं सेडान की बातें, मैं 5 गाड़ियां आपको हैचबैक बता दिया, अब करते हैं सेडान की बात। कुछ भाइयों को लंबी गाड़ी पसंद है कि भाई बीच में तो मैं बैठूंगा, आगे मेरी गाड़ी का इंजन धुंधाएगा और पीछे की तरफ मेरे सामान रखने की जगह भी होनी चाहिए। जैसे पालकी को देखते ही तो सेडान को बनाया गया था, पुराने टाइम पे पालकी चलती थी ना, जो रानियों को बिठा के और पालकी में लेके जाते थे, बीच में रानी और आगे टेपर, पीछे टेपर, पीछे भी टेपर, दो डंडे आगे भी टेपर, वे उसको देख के ही तो सेडान को बनाया गया था। तो 500 लीटर की लगभग डिक्की आती है इन गाड़ियों में, तो सेडान की बात कर लेते हैं, कुछ भाइयों को सेडान पसंद आती है। तो सेडान में आप
SX4 ले सकते हैं। ये SX4 आपको आराम से 160-170 तक तो बढ़िया मिल जाएगी, 150 के अंदर भी मिल जाएगी। SX4 आपको 2010-11 मॉडल आराम से मिल जाएगी। बेहतरीन गाड़ी है, मजबूत है, लंबी चौड़ी है, बढ़िया चलती है। थोड़ा माइलेज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन क्लियर बता दूं मैं, क्योंकि लंबी चौड़ी भारी है तो थोड़ा माइलेज पेट्रोल में 13-14 तक इतना रहता है और डीजल में थोड़ा ज्यादा रहता है। SX4 का 1586 सीसी का पेट्रोल इंजन आता है, इसलिए पेट्रोल में डाउन रहेगा। डीजल 1250 सीसी का आता है तो डीजल आपका 16-17 तक रहेगा, पर गाड़ी में आपको फुल आनंद आएगा। गाड़ी भयंकर है, गजब गाड़ी है दोस्तों, ये ध्यान रखना, गाड़ी एक नंबर है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, बेहतरीन गाड़ी है। SX4 ले सकते हो, मजबूती बढ़िया है और इसके पार्ट्स भी आपको कबाड़ी के भी मिल जाते हैं, क्योंकि 10-11 मॉडल लोगे ना तो 100% कबाड़ी की वो गाड़ी मिलेगी आपको और पार्ट्स सस्ते मिलेंगे। बाकी नए खरीदेंगे तो एक्सपेंसिव, थोड़े बहुत महंगे तो आएंगे, क्योंकि गाड़ी हैवी है, लंबी चौड़ी, एसी वगैरह, इंटीरियर लग्जरी है, तो महंगे आ सकते हैं। SX4 ले सकते हैं, 150 में होंडा सिटी ले सकते हैं। होंडा सिटी IVTEC भी आपको 150 में मिल सकती है, वो आपको 9 मॉडल मिलेगी, 9 या 10 IVTEC, मतलब डॉल्फिन के बाद जो आई थी ना वो गाड़ी भी मिल सकती है आपको, ध्यान रखना। बेहतरीन गाड़ी है होंडा सिटी, पेट्रोल में आपको 16-17 तक का माइलेज दे देती है और डीजल में इतनी सक्सेस नहीं है, पेट्रोल में ज्यादा सक्सेस है होंडा सिटी, पहले बता दूं मैं। और अंदर से भयंकर लग्जरी है, आपको इतना मजा आएगा, पहली बार कभी होंडा सिटी में बैठोगे ना निकलने का ही मन नहीं करेगा, कि रोटी पानी बाद में खाएंगे, थोड़ी देर अंदर बैठने दो, इसको देखने दो, ऐसी गाड़ी होंडा सिटी। 1500 सीसी का इंजन आता है, फिर भी वो एवरेज गजब दे देती है, ऐसा सुपीरियर इंजन आता है होंडा का, तो होंडा सिटी ले सकते हैं। इंटीरियर वगैरह ऐसा है बिल्कुल फनाफन, तो होंडा सिटी ले सकते हैं। सेडान है बढ़िया, पीछे सामान भरो जबरदस्त, इसकी भी सर्विस 2500 में होती है। आप सोचो होंडा सिटी ले लेंगे तो सर्विस महंगी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, SX4 की भी 2500 में होती है, पेट्रोल गाड़ियों की 2500 में ही होगी इन गाड़ियों की, कुछ कुछ गाड़ियां हैं जो महंगी पड़ेगी आपको, तो सिटी ले सकते हैं। फिर फिएट की एक और गाड़ियां आपको, गाड़ी आपको बता रहा हूं, वो है फिएट की लीनिया। ये सेडान है, जैसे फिएट पुंटो मजबूत है ना, वैसे लीनिया भी मजबूत है। ये 11-12 मॉडल 1.5 लाख में आपको आराम से मिल जाएगी, 1368 सीसी का पेट्रोल में और 1250 सीसी का डीजल में इंजन आता है। डीजल का माइलेज 18-19, पेट्रोल का माइलेज 15-16, इसको भी ले सकते हैं, भयंकर मजबूत है। ये भी टैंक गाड़ी, मॉडल भी अच्छा लगता है, चलाने में बहुत मजा आएगा, और अंदर बहुत सारे फीचर्स है इसमें जो आज की नई नई गाड़ियों में नहीं आते ना, वो फीचर्स इस गाड़ी में मिल जाएंगे आपको। आप खरीदो नहीं ना तो किसी की भी ट्राई करके देखना, आप देखना इन गाड़ियों में क्या चीज है, क्या मजबूती है, तो लीनिया भी ले सकते हैं। और कुछ भाइयों को लंबी चौड़ी सेडान पसंद है, बहुत लंबी रहसी रहे, कहीं खड़ी करूं ना एक बार लोग देखे यार इतनी लंबी गाड़ी लेके आया, तो वरना भी ले सकते हैं। 1.5 लाख में 1 से 1.5 के बीच में आपको पुराना मॉडल मिलेगा वरना का, 9-10 मॉडल लंबी चौड़ी जबरदस्त आती थी, 1500 सीसी पेट्रोल और 1500 सीसी डीजल में आती थी। पेट्रोल में इसका माइलेज 12-13 का रहेगा और डीजल में 15-16-17 तक रहेगा। ये 2009-10 मिलेगी आपको 1.5 के बजट में, गाड़ी जबरदस्त है। पार्ट्स इन सभी गाड़ियों के कबाड़ियों के मिल जाते हैं, क्योंकि 10 साल पुरानी गाड़ियों को कबाड़ी रखना शुरू कर देते हैं और उनका अलग ही व्यापार चलता है, पुरानी गाड़ियों को खरीद लेते हैं वो, जिनका इंजन सीज हो जाता है या जो गाड़ियां पुलिस वाले सीज कर लेते हैं या कहीं भी कोई एक्सीडेंटल गाड़ियां ले लेते हैं और उनके पार्ट्स निकाल निकाल के और सस्ते भाव में बेचते रहते हैं, यही उनका धंधा है। तो ले सकते हैं आप, वहां से आराम से सस्ते पार्ट्स मिलेंगे। आप सोचो ना लग्जरी गाड़ी ले लिए तो क्या करेंगे, पार्ट्स कहां से डलवाएंगे, तो वहां से ले सकते हैं। तो ये गाड़ियां आप 10 गाड़ियां ले सकते हैं। उम्मीद है मजा तो आपको आया ही होगा, इतनी सारी गाड़ियां बताया हूं मैं आपको, और 5 सेडान है, 5 हैचबैक है, 1.5 का बजट आजकल बाइक नहीं, बाइक आती है 1.5-1.5 लाख में, तो ये गाड़ियां ले सकते हैं। और डरना नहीं है बिल्कुल भी कि गाड़ी ले लेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, कम तनख्वाह है तो कैसे चलाएंगे, अरे भाई साहब महीने में 3-4 बार चला लो, ज्यादा मत चलाओ, गाड़ी लाके घर में खड़ी कर दो, आपकी आधी वैल्यू तो ऐसे ही बढ़ जाएगी। रिलेटिव आएंगे घर में खड़ी गाड़ी देखेंगे ना, उसमें ऐसे हो जाएगा गाड़ी तो है भाई इसके पास, अब आपका कम बजट है, कम सैलरी है तो कम चला लेना। जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं ना इसमें कि 20,000 सैलरी वाला खाएगा क्या, गाड़ी में क्या डलवाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा, वो प्लीज कमेंट ना करें, किसी को डीमोटिवेट उदास ना करें, किसी की हिम्मत बनाना चाहिए, तोड़नी नहीं चाहिए। गाड़ी लाओ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, सभी भाइयों को बता रहा हूं मैं, गाड़ी लाओ मजे से चलाओ, अगर बजट कम है तो कम चलाओ लेकिन लाके खड़ी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करना, और बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो देखते हैं वीडियो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, पैसे थोड़ी लगते हैं, आपको इतनी बढ़िया जानकारी दे रहा हूं। और राजस्थान के कितने भाई है और आसपास जयपुर डूंडाड़ एरिया के और हाड़ौती के कितने भाई है कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि एक अलग ही अटैचमेंट है अपनी लैंग्वेज राजस्थानी डूंडाड़ी और हाड़ौती भाइयों से, कोटा साइड के हाड़ौती, जयपुर के आसपास के डूंडाड़ी, इनसे अलग ही अटैचमेंट है, तो कमेंट में जरूर बताना और इंस्टाग्राम पे भी आके बात करा करो। रात को एक भाई से कल मैं 1.5-2 घंटे तक बात करता रहा इंस्टाग्राम पे, कोई व्यूवर्स ही था, तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब वाले रिप्लाई नहीं देते, यूट्यूब वाले ऐसे होते हैं, अपना तो भाई जिससे मन लग जाता है ना उससे 2-2 घंटे भी बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंस्टाग्राम आईडी पे जाके और इंस्टाग्राम पे बात भी कर सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। थोड़ा सा रनिंग में आए, व्यूज ही नहीं आ रहे, पता नहीं कोई बोलता है बिग बॉस देखने लग गए लोग इसलिए व्यूज नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों कम हो गए व्यूज। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय।